हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहद पॉपुलर थाई ड्रामा हुआ जय सीला, जिसका इंग्लिश नेम है हार्ट ऑफ स्टोन। इस ड्रामा के दो वर्जन आए हैं, एक 2007 में और एक 2019 में। ये एक ऐसे आदमी के बदले की कहानी है जिसे बचपन में अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा और उसकी सौतेली माँ उसे मरने पे मजबूर कर दी, और जब वो बच निकला तो वो कैसे बड़े होने पे सबसे रिवेंज लेता है। तो जाहिर सी बात है, इस ड्रामा में रिवेंज स्टोरी के अलावा लव स्टोरी भी है, जो इस ड्रामा को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। और थाई ड्रामा जिन चीजों के लिए पॉपुलर होते हैं, जैसे कि रिवेंज स्टोरी, लव स्टोरी, स्लैप किस सीन, ये सारी चीजें इस ड्रामा में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा के मेन लीड सीला से, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिसका एक ट्रेजिक पास्ट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, और किसी को भी सीला की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। वो एक पॉलिटिशियन का बेटा रहता है और बचपन में अपनी मॉम की डेथ के बाद वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के पास रहने जाता है। तो उसकी स्टेप मॉम उसके फादर की लीगल वाइफ रहती हैं, और वहीं उसकी मॉम उसके फादर की बस एक लवर रहती हैं। सीला का असली नाम टॉर रहता है। उसकी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर बचपन में उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किए रहते हैं। तो आगे जब वो अपनी स्टेप मॉम सीडा से बचकर भागता है तो सीडा उसके पीछे पीछे भागती है, और इन्हीं सब में टॉर नदी में गिर जाता है, लेकिन सीडा उसको बचाती नहीं है बल्कि उसको डूब जाने देती है। तो टॉर किसी तरीके से उस नदी से बच निकलता है, और उसके बाद वो पिनसुडा के पास जाता है जो उसके मॉम की काफी क्लोज रहती हैं, और वो उसको अपने घर में पनाह देती हैं और उसको पालती पोसती हैं। तो टॉर अब एक नई पहचान के साथ जीता है, सीला। वो अपने साथ हुए इनजस्टिस, टॉर्चर और पेन मिलने का बदला लेना चाहता है अपने स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर से। तो अब सीला ग्रोन अप होके रिच, कॉन्फिडेंट और हैंडसम बन गया है। वो अपनी आंट पिसुडा के साथ मिलकर बिजनेस मैनेज करता है। वो नाइट क्लब और कैसीनोस का ओनर है। तो उसकी आंट ये नहीं चाहती हैं कि सीला बदला लेने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, क्योंकि उन्हें पता है कि सीला की स्टेप मॉम सीडा कितनी खतरनाक औरत है, और वो अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। वही सीला का स्टेप ब्रदर साविट भी एक जुआरी है, वो भी बहुत ही क्रूल है और वो लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलता है। तो ऐसे ही वो एक लड़की ऑयल को हार्म कर देता है, जो कि सीला के ही नाइट क्लब में काम करती है। तो सीला को ये बात पता चलती है, वो होटल जाता है और देखता है कि उस लड़की की हालत बहुत खराब है, तो वो उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड मिन बहुत ही काइंड और जेंटल रहती है, तो उसकी भी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसको नहीं मानती हैं और बचपन से ही उसको बुली करती हैं। तो मिन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल अब वो लोग इतने अमीर नहीं रह गए रहते हैं, तो मिन के ऊपर ही अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी रहती है। तो मिन के डैड को अब भूलने की बीमारी हो गई रहती है, और आगे उनका सर घायल हो जाता है, जिसके बाद मिन अपने दोस्त के साथ उनको हॉस्पिटल ले जाती है। तो सीला और मिन दोनों ही ट्रैफिक में फंसे रहते हैं अपने अपने पेशेंट को लेकर। एक आदमी जो सेलफोन पे बातें करने में मस्त रहता है और अपनी कार आगे नहीं बढ़ाता है, और जब सीला उसे आगे बढ़ाने के लिए कहता है कार, तो वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद सीला उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर आगे कर देता है, और उसके बाद ट्रैफिक से निकल जाता है। वो हॉस्पिटल पहुँचते ही ऑयल के लिए एक स्ट्रेचर मंगवाता है, और मिन भी हॉस्पिटल पहुँचती है। वो एक आदमी को टक्कर से बचाने के लिए सीला की गाड़ी पीछे से ठोक देती है। तो सीला स्ट्रेचर को ऑयल के लिए लेके जाता है, लेकिन तभी मिन उस स्ट्रेचर को अपने डैड के लिए खींचती है, लेकिन सीला उस स्ट्रेचर पे ऑयल को भेजता है, और इस तरीके से मिन और सीला की फर्स्ट मीट होती है। तो मिन को ये गलत फहमी हो जाती है कि जिस औरत के साथ सीला आया है उस औरत की हालत का जिम्मेदार सीला ही है, और सीला कोई माफिया मेंबर है। तो मिन को सीला कुछ जाना पहचाना सा लगता है, और आगे जब वो कार की डैमेज के बारे में बात करने जाती है जो कि उसकी कार से हो गया था, तो मिन सीला से पूछती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और आगे इसी दौरान वो गिरती है और सीला भी उसके ऊपर गिरता है, और उसी समय वो सीला के गले में पहनी हुई अंगूठी देखती है, और उसे ऐसा लगता है कि वो उसके बचपन का दोस्त टॉर है। तो मिन और सीला एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे और वो बचपन के दोस्त थे। जब सीला की सौतेली माँ सीडा सीला को टॉर्चर करती थी, तो मिन ही उसके चोट पे मरहम लगाती थी।
वो उसको चोरी से खाना खिलाती थी, उसके साथ खेल खेला करती थी और उससे बातें किया करती थी। ये दोनों बचपन में एक दूसरे के हमदर्द हुआ करते थे, क्योंकि दोनों का दर्द तो सेम था, सौतेली माँ और उनके सौतेले भाई बहन जो उनका जीना हराम किए हुए थे। इसके अलावा उन दोनों के ही डैड ने उनकी मॉम से शादी नहीं की थी, उनकी मॉम उनके डैड की केवल लवर ही थी, इसलिए उनको अक्सर ही नाजायज होने का ताना मिलता था। तो शीला को फिलहाल अभी तो अपना बदला लेना रहता है, इसलिए वो अपनी पहचान किसी से जाहिर नहीं करना चाहता है, भले ही वो मिन ही क्यों न हो। इसलिए वो साफ साफ इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि वो टॉर नहीं है। तो आगे शीला और उसकी आंट शीला के स्टेप ब्रदर सावेट के खिलाफ केस करती हैं कि उसने ऑयल को चोट पहुंचाई है, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं है, क्योंकि शीला अपनी पावर से अपने बेटे को आसानी से इस केस से बचा लेती है। लेकिन इस वजह से शीला की दुश्मनी शीला की आंट से जरूर हो जाती है। उसके बाद शीला हॉस्पिटल जाके ऑयल को धमकाती है और उसे सुसाइड करने के लिए उकसाती है, जिसके बाद ऑयल सुसाइड कर लेती है और मिन को ये गलतफहमी हो जाती है कि उस औरत ने शीला की वजह से सुसाइड किया है। तो शीला समझ जाता है कि ऑयल ने ये कदम शीला की वजह से उठाया है और उसके बाद वो जाता है शीला के पास और उससे कहता है कि उसे पता है कि वो एक मर्डरर है और इनडायरेक्टली उसे धमकी देता है। तो आगे शीला और शीला की आंट में दुश्मनी बढ़ती ही जाती है। दोनों को एक ही पेंट हाउस पसंद आता है और दोनों ही उसे खरीदना चाहती हैं। तो शीला किसी भी कीमत पे उस पेंट हाउस को पाना चाहती है, लेकिन शीला की आंट ऐसा नहीं होने देती हैं। शीला अपने बेटे सावित की शादी मीन की सौतेली बहन क्वान से कराना चाहती है, जिसे प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी प्रपोज किया रहता है। तो क्वान एक बहुत ही एम्बिशियस वुमेन रहती है, जिसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड रहता है। तो जैसे ही शीला को शीला के इस प्लान के बारे में पता चलता है कि सावित क्वान को पटाने के चक्कर में है, वो क्वान को पटाने का प्लान बना लेता है, बावजूद इसके कि वो जानता है इस बात से मीन को तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो अपने बदले में फिलहाल एकदम चूर रहता है। तो जैसे ही क्वान अब्रॉड से अपनी पढ़ाई पूरी करके थाईलैंड वापस आती है, शीला उसे लेने के लिए एयरपोर्ट पे अपनी एक्सपेंसिव कार भेज देता है, लेकिन क्वान किसी से इतनी आसानी से पटने वाली नहीं रहती है, इसीलिए वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तो क्वान के घर आने से मीन और उसके फैमिली वाले काफी खुश होते हैं। तो आगे क्वान एक डायमंड चैरिटी इवेंट में अपनी मॉम के साथ जाने वाली रहती है, तो उसे शीला की तरफ से एक गिफ्ट आता है। शीला उसके लिए एक एक्सपेंसिव ड्रेस और परफ्यूम भेजा रहता है। तो इम्प्रेस होने के बाद भी क्वान मैडम को अभी नखरे दिखाने होते हैं, इसलिए वो उस इवेंट पे उसका ड्रेस पहनकर नहीं जाती है, लेकिन क्वान की मॉम उसका भेजा हुआ परफ्यूम जरूर लगाई रहती हैं। तो उस इवेंट में क्वान और उसकी मॉम सावित और शीला के साथ रहते हैं, तो शीला भी उस इवेंट में पहुंचा रहता है। तो आगे क्वान के लिए सावित और शीला दोनों में ही एक डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए कंपटीशन हो जाता है, लेकिन शीला डायमंड के नेकलेस की प्राइस काफी ज्यादा हाई करवाने के बाद पीछे हट जाता है और सावित उसे खरीद लेता है। तो उसी इवेंट में फाइनली क्वान और शीला आमने सामने होते हैं और बड़े होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होती है। तो शीला क्वान को पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और क्वान पट भी जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भले ही क्वान अभी शीला से इम्प्रेस रहती है, लेकिन बचपन में वो शीला को काफी बुली किया करती थी सावित के साथ मिलकर, और उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। तो यही वजह है कि शीला अपनी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर के अलावा क्वान से भी काफी हेट करता था। तो मीन शीला का कार्ड पढ़कर ये जान जाती है कि शीला ने क्वान को गिफ्ट भेजा है, और आगे वो क्वान को वार्न करने की कोशिश करती है कि शीला एक अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन क्वान उसकी बात नहीं सुनती है। फिर आगे मीन के डैड, जिनको की भूलने की बीमारी रहती है, वो घर से बाहर निकलते हैं और रास्ता भूल जाते हैं, तो उनकी मुलाकात शीला से होती है और शीला उन्हें वापस घर लेकर आता है। तो मीन उसे थैंक्स कहती है और पूछती है कि क्या वो भूखा है, और उसके बाद वो उसको अपने आउट हाउस लेकर जाती है। ये वही जगह रहती है जहाँ मीन और शीला बचपन में खेला करते थे और समय बिताया करते थे। तो शीला उस जगह को देखकर अनजान बनता है। फिर आगे मीन उसे कहती है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, तो शीला उसके क्लोज होता है और मीन उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद हमें थाई ड्रामा का पॉपुलर स्लैप एंड किस सीन उन दोनों के बीच देखने के लिए मिल जाता है। तो आगे भी शीला क्वान को पटाने में लगा रहता है। वो उसके लिए एक महंगी कार खरीदता है, और जब क्वान मना करती है तो वो बदले में मीन की पुरानी कार ले लेता है और क्वान को नई कार दे देता है। तो मीन ये समझ चुकी रहती है कि क्वान को समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो शीला से मिलने के लिए उसके नाइट क्लब जाती है, जहां उसकी मुलाकात शीला की आंट से होती है, और वो शीला की आंट को बताती है कि उसे ऐसा लगता है कि शीला उसके बचपन का दोस्त टॉर है। तो मीन चाहती है कि शीला उसकी बहन से
से दूर रहे और उसकी बहन को हर्ट न करें। तो आगे घर आने पे जब मिन को ये पता चलता है कि शीला ने उसकी कार ले ली है जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, तो वो शीला के घर जाती है और उससे झगड़ा करती है। वो उसे अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहती है और उसकी इंसल्ट करती है, जिसके बाद एक बार फिर से स्विमिंग पूल में उन दोनों के बीच स्लैप और किस सीन होता है। तो मिन को शीला की इन सभी हरकतों से काफी तकलीफ होती है और वो बहुत दुखी होती है। वही शीला ये सब इसलिए करता है ताकि वो चाहता है कि मिन उसे अब टॉर न समझे। तो शीला की आंटी ये नहीं चाहती है कि शीला इस तरीके से बदला ले और इस वजह से एक लड़की को तकलीफ पहुंचाए, और वो शीला को कहती है कि शीला बहुत खतरनाक है और इसीलिए वो नहीं चाहती है कि शीला अपनी जिंदगी बदला लेने में ही बर्बाद कर दे। तो दूसरे दिन शीला ऑफिस में आकर मिन की कार वापस लौटा कर चला जाता है, और आगे क्वान और उसकी मॉम ये इल्जाम लगाती हैं कि मिन शीला के पीछे पड़ी हुई है और वो शीला को अपना बनाना चाहती है, और इसलिए क्वान मिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस पे एक तरीके से अटैक भी कर देती है। और ये सारी चीजें शीला बाहर से देखता है। तो इन्हीं सब प्रोसेस में मिन घायल हो गई रहती है और उसके बाद वो अपने उसी आउट हाउस में जाती है जहाँ शीला भी उसके पीछे जाता है और वो उसके चोट को देखता है उस पे दवा लगाने के लिए, और उन दोनों को ही उनका बचपन याद आता है। और आगे मिन कहती है कि क्या तुम अब भी नहीं मानोगे कि तुम टॉर हो? तो शीला कहता है कि नहीं, वो टॉर नहीं है। तो मिन जब ये देखती है कि शीला अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी टॉर उसे मिन कहकर बुलाता है और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है। तो भले ही हमें उस गाने के बोल न समझ में आए, लेकिन वो सीन पर चार चांद लगा देते हैं। तो मिन इसके बाद एक बार फिर से शीला की माँ की अंगूठी देखने की कोशिश करती है, लेकिन शीला उसे ऐसा करने नहीं देता है। फिर आगे मिन के डैड आ जाते हैं और शीला वहाँ से चला जाता है, और आगे मिन अपने डैड से इस बात को शेयर करती है और कहती है कि शीला अब बहुत बदल गया है, वो टॉर जैसा नहीं रहा। तो आगे शीला क्वान को डेट पर ले जाता है और मिन को अपनी बहन की चिंता रहती है, इसलिए भी वो अपने फ्रेंड के साथ उन दोनों का पीछा करती है। और उसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं फिटनेस सेंटर। तो उसका फ्रेंड कहता है मिन से कि ये दोनों तो फिटनेस सेंटर आए हैं, और उसे नहीं लगता कि यहाँ पे उसकी बहन को शीला से कोई खतरा हो सकता है। लेकिन मिन तो अपनी बहन की सेफ्टी को पूरी तरीके से अज्योर करना चाहती है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को लेकर उस सेंटर के अंदर जाती है। तो इधर साविट को भी पता चल गया रहता है कि फिलहाल शीला और क्वान डेट कर रहे हैं, तो वो शीला को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाता है और वो एक गर्ल को हायर करता है जो ये प्रिटेंड करती है कि उसका और शीला का अफेयर चल रहा है। लेकिन वो लड़की तो पहले से ही शीला को जानती है, इसलिए शीला और वो लड़की मिलकर साविट का प्लान फ्लॉप कर देते हैं, और बल्कि साविट ही क्वान की नजर में और नीचे गिर जाता है। और वहीं क्वान शीला को पागलों की तरह चाहने लगती है। तो मिन क्वान को ये प्रूफ करना चाहती है कि शीला टॉर है, जिससे कि क्वान हेट करती है, और इसके लिए वो शीला के चोट का निशान जो कि उसके सीने पे रहता है उसकी तस्वीर खींचकर क्वान को और सबको ये प्रूफ करना चाहती है कि शीला ही टॉर है। तो इसीलिए वो मेन रेस्ट रूम में जाती है और छुपकर शीला की तस्वीरें लेती है, लेकिन शीला ये बात जान जाता है और मिन से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत करो, और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। मिन उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि वो कभी भी अपनी बहन को उसके साथ नहीं होने देगी। तो शीला कहता है कि अगर वो टॉर होता तो वो क्या कहती। तो मिन कहती है कि वो कहती कि वो अपनी सारी पेनफुल यादों को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो शीला एक बार फिर से मिन को परेशान करता है और उसके करीब आता है, लेकिन आगे फिर तभी वहाँ पे क्वान आ जाती है, और क्वान उन दोनों को साथ में देखकर मिन को ब्लेम देती है कि मिन शीला के पीछे पड़ी हुई है। तो मिन क्वान को समझाने के लिए बताती है कि ये शीला नहीं टॉर है, और वो कहती है कि अगर उसे उसकी बात पे भरोसा नहीं है तो शीला ने जो अंगूठी अपने गले में पहन रखी है वो उसे चेक कर ले, उसमें टॉर के मॉम का नाम लिखा हुआ है। फिर आगे क्वान शीला की उस रिंग को चेक करती है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो शीला ने पहले ही वो रिंग बदल ली होती है। तो आगे मिन क्वान को कहती है कि वो शीला का चेस्ट चेक करे जहाँ चोट का निशान है। तो क्वान उस पर गुस्सा हो जाती है और मिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्वान घर पर आकर मिन के ऊपर गुस्सा होती है और उसको चोट पहुंचाती है, जिसके बाद मिन बहुत दुखी हो जाती है और वो आउट हाउस में जाकर सोती है। तो शीला वहाँ पे आता है मिन को देखने के लिए, और मिन की तकलीफ को देखकर उसे भी बहुत दुख होता है।
तो फ्रेंड्स, इधर सीला की आंट और सीडा के बीच में दुश्मनी बढ़ती ही जाती है और सीला की आंट का अफेयर सीडा की बहन के हस्बैंड से चलता है। तो सीडा की बहन सीडा के साथ मिलकर ये पता लगाना चाहती है कि उसके हस्बैंड का अफेयर आखिर किस औरत से चल रहा है। तो मिन और उसकी बहन के बीच में सीला की वजह से जो कुछ भी चल रहा था और मिन को इतना हर्ट होना पड़ रहा था, इसलिए मिन दुखी हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो उस माउथ ऑर्गन को, जो कि टॉर का था और बचपन से ही उसके पास था, जिसे मिन हमेशा सोचती थी कि जब कभी टॉर वापस आएगा तो वो उसे वापस दे देगी। तो मिन को इस बात का कभी भी भरोसा नहीं था कि टॉर मर चुका है और यही वजह है कि वो उस माउथ ऑर्गन को बहुत संभाल कर रखी हुई थी। तो वो उस माउथ ऑर्गन को लेकर सीला के घर जाती है और उसे वापस लौटाती है, और जब सीला उसको नहीं लेता है तो वो उसे वहीं पर फेंकती है। तो सीला उसे नीचे से उठाकर वापस लौटाता है और उससे कहता है कि जब उसने अभी तक इसके मालिक को देने के इंतजार में इसको संभाल कर रखा हुआ था तो वो कुछ दिन और संभाल कर रख ले। लेकिन मिन कहती है कि नहीं, उसे अब ये संभाल कर नहीं रखना है। तो सीला कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें फेंकना है तो फेंको, लेकिन तुम इसे मेरे घर में नहीं फेंक सकती। जिसके बाद मिन सीला के आंखों के सामने ही उस माउथ ऑर्गन को बाहर फेंक देती है। फिर मिन वहां से चली जाती है और मिन के जाने के बाद सीला अपने उस माउथ ऑर्गन को ढूंढ कर वापस ले लेता है। तो इस सीन के बाद इधर सीला का रोना धोना चलता है और उधर मिन का रोना धोना चलता है। लेकिन सीला तो फिलहाल अपने बदले को सबसे आगे रखता है और यही वजह है कि वो अपने स्टेप ब्रदर साविट को ट्रैप भी कर चुका रहता है अपनी एक फ्रेंड की मदद से। चूंकि साविट गैम्बलिंग करता है, इसलिए सीला की फ्रेंड उसे सीला के कसिनो लेकर आती है, जहाँ साविट जुआ खेलने के चक्कर में पहले तो डायमंड नेकलेस को गिरवी रख देता है और इसके अलावा सीला से ढेर सारा कर्ज भी ले लेता है। तो कौन को सीला का फुल अटेंशन चाहता है, और सीला जब उसके कॉल्स को इग्नोर करता है तो कौन गुस्सा होती है। लेकिन सीला उससे मिलने आता है और उससे झूठ बोलता है कि वो प्लान कर रहा था अपने फैमिली के साथ एक वेकेशन और वो चाह रहा था कि कौन भी उसके साथ उस वेकेशन पे चले। जिसके बाद कौन मान तो जाती है लेकिन सीला को ये दिखाती नहीं है। और जब वो वापस आता है उसके घर से तो उसी दौरान उसकी मुलाकात मिन से होती है, लेकिन मिन तो उससे बहुत ज्यादा हर्ट रहती है, इसलिए वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाती है। और मिन के वहाँ से चले जाने के बाद सीला बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो आगे मिन कौन के लिए शॉपिंग करने जाती है और उसकी शॉपिंग पूरी करने के बाद वो पार्किंग लॉट में आती है तो सीला उसके सामने आ जाता है। सीला को अपने कार के सामने से हटने के लिए कहती है लेकिन सीला नहीं मानता है, तो वो धमकी देती है कि वो उसे अपने कार से हिट कर देगी। तो आगे सीला उसको माउथ ऑर्गन वापस लौटाता है और कहता है कि ये टॉर का है, लेकिन मिन उसे फेंक देती है। तो सीला उससे पूछता है कि क्या तुम टॉर को पसंद करती हो और उसके लिए अच्छी फीलिंग्स रखती हो। तो मिन कहती है कि तुम टॉर नहीं हो, मैं टॉर को भले पसंद करती हूँ लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो सीला कहता है कि मैं अभी टॉर नहीं हूँ लेकिन शायद फ्यूचर में हो सकता हूँ। मिन उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसे जाने दे। वो कहती है कि भले ही हो सकता है कि वो एक माफिया मैन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे अरेस्ट नहीं करवा सकती। तो सीला उससे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम कितनी हार्टलेस हो और क्या तुम मुझे अरेस्ट करवा सकती हो। और तभी वहाँ पे दो पुलिस मैन आ जाते हैं। वो सीला को मिन से दूर हटाते हैं और सीला जब उन पर गुस्सा होता है तो वो सीला को अपनी आईडी शो करते हैं, जिसके बाद सीला शांत हो जाता है और मिन उनसे कहती है कि सीला को अरेस्ट कर ले क्योंकि सीला उसे हैरेस कर रहा था। जिसके बाद सीला कहता है कि ठीक है और वो मिन के सामने अपने हाथों में हथकड़ियां लगवा लेता है। तो पुलिस वाले सीला को लेकर वहां से जाने लगते हैं, तभी मिन उसे देखती है और रोकती है और उसके बाद वो पुलिस वाले को ले जाकर सीला का माउथ ऑर्गन लौटा देती है। फिर आगे वो बिना कुछ कहे अपनी कार में आकर बैठती है और अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं पुलिस वाले सीला को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिन सीला से अब हेट करने लगी है, भले ही टॉर के रूप में वो उसकी कितनी भी चिंता क्यों न करती हो और उसे कितना पसंद क्यों न करती हो। और वहीं सीला आखिर कब तक अपनी ये सच्चाई छुपाने वाला है कि वो टॉर है और वो किस तरीके से अपनी फैमिली से बदला लेगा, ये आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।